तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मध्य प्रदेश में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर किए जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मिश्रा ने भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी से कोरोना संक्रमण व्यक्तियों के इलाज में आने वाले परिणामों के विषय में जानकारी दी। वहीं उज्जैन में मृत्यु दर कम करने के लिए भोपाल एम्स के निर्देशन में एक जांच दल भेजने के लिए अनुरोध किया गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने एम्स के निर्देशक को उज्जैन की स्थिति की जाँच कर रिपोर्ट देने और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग का हर संभव सहयोग करने के दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में SES मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव पल्लवी जैन, गोविल और फैज अहमद किदवई भी मौजूद रहे। भोपाल में चिरायु मेडिकल कॉलेज में 600 पेशेंट भर्ती हुए और 600 में से एक भी काल कवलित नहीं हुआ, एक भी नहीं मरा। इन्होंने एक नई ऑक्सीजन थेरेपी अपनाई है। ये ऑक्सीजन थेरेपी के कारण से एक भी पेशेंट सीरियस से सीरियस भी डेथ नहीं हुआ, मरा नहीं। तो ये ऑक्सीजन थेरेपी के लिए आपका कोई टीम, सर्वे दल कोई आए, इसका अध्ययन करे, जिससे देश के अन्य जगहों पर इस थेरेपी का लाभ लिया जा सके। ये एक प्रार्थना।